सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए। हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जियो का सिम यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जियो वाउचर की एक्सपायरी डेट क्या है, यानी कि आप जियो वाउचर को कब तक यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी भी जियो का रिचार्ज कराया होगा तो ये 100% गारंटी है कि आपके पास जियो वाउचर जरूर होंगे। दोस्तों, आप जब भी माई जियो ऐप में जाते होंगे और जियो वाउचर पर जाते होंगे तो आप एक बार ये जरूर सोचते होंगे कि भाई जियो वाउचर की एक्सपायरी डेट क्या है, यानी कि हम जियो वाउचर को कब तक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि जियो वाउचर की एक्सपायरी डेट क्या है तो वीडियो को देखते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे दोस्तों मेरी आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आपको ऐसी बढ़िया वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि जियो वाउचर का यूज़ कैसे करते हैं तो इस टॉपिक पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जियो वाउचर की एक्सपायरी डेट क्या है। दोस्तों, जियो वाउचर तीन तरह के होते हैं। एक होता है ऐड ऑन वाला, जिसमें आपको 5 GB या फिर 10 GB डाटा मिलता है। एक होता है दोस्तों, जिसमें आपको 50 रुपये के कई सारे वाउचर मिलते हैं। और दोस्तों, एक होता है जब आप कोई जियो वाउचर परचेज करते हैं, यानी कि कोई जियो वाउचर खरीदते हैं। दोस्तों, इन तीनों ही वाउचर की एक्सपायरी डेट अलग अलग होती है। दोस्तों, ऐड ऑन वाले वाउचर की, यानी कि जिसमें आपको 5 GB या फिर 10 GB डाटा मिलता है, उसकी एक्सपायरी डेट वही होती है जो आपके रिचार्ज की एक्सपायरी डेट होती है। यानी कि अगर आपने कोई भी रिचार्ज कराया है, जैसे कि आपने 349 का रिचार्ज कराया है और अगर उसकी एक्सपायरी डेट 15 अक्टूबर है, तो आपके जो जियो वाउचर होगा ऐड ऑन वाला, उसकी भी एक्सपायरी डेट 15 अक्टूबर ही होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं 50 रुपये वाउचर की। दोस्तों, जो 50 रुपये वाले वाउचर होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट अनलिमिटेड होती है, यानी कि आप उनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, वो कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं परचेज किए हुए जियो वाउचर की। दोस्तों, अगर आप कोई भी जियो वाउचर खरीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट तब तक होती है जब तक कि आप उसको यूज ना कर लें, यानी कि दोस्तों जब तक आप उस वाउचर को रिडीम नहीं करेंगे तब तक वो एक्सपायर नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी ये हमारी वीडियो, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें।